नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं अखिलेश कुमार फ्रॉम अन्यकला। आज की रेस्क्यू कॉल दोस्तों हमें हमारे ही गांव से अन्यकला से आई हुई है। यहां पे दोस्तों एक सांप देखा गया है। आइए दिखाते हैं हमारे दर्शकों को कौन सा सांप है। ये दोस्तों देखने पर एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बेबी है। हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हैं दोस्तों। ये देखिए सांप एक छोटी सी छोटी जगह में अपना आशियाना बना लेता है दोस्तों। आप नजरें जमाए रखिए दोस्तों, हम आपको सांप दिखाते हैं। अब जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक पानी की मोटर है और ये ठंडी के कारण दोस्तों यहीं पे आकर, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इनका ब्लड ठंडा होने के कारण दोस्तों ऐसी जगह पे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम अब निकालेंगे बाहर और कराते हैं दोस्तों इससे आपको रूबरू। बने रहिए वीडियो में दोस्तों। ये दोस्तों रात का समय है, आप देख सकते हैं दोस्तों ये भागने की फिराक में, भोजन के चक्कर में दोस्तों अपना पेट का गुजारा करने के लिए दोस्तों ऐसी जगह पे आ जाते हैं। और ना कोई दोस्तों ये हमारे घर पे कोई कब्जा करके रखते हैं दोस्तों। अनाज खाने के लिए चूहे आते हैं और चूहों को खाने के लिए इनका आना तो लाजमी है। चलिए दोस्तों हमने सांप को पकड़ लिया है, लाते हैं इसे बाहर और भी देंगे दोस्तों इसकी जानकारी। आप बने रहे हैं वीडियो में, काफ़ी ख़तरनाक मंजर है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाइबरनेशन के कारण दोस्तों इनका ब्लड ठंडा होता है, पूरे ठंड में ज़्यादा एक्टिव नहीं होते दोस्तों। यही सांप अगर गर्मी में रहता तो काफ़ी एक्टिव रहता। ये दोस्तों इंसानों के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अपने भोजन की तलाश में दोस्तों किसी की नज़र इन पे पड़ जाती है और लोग इन्हें बेवजह मार देते हैं दोस्तों। तो जब भी ऐसा सांप दिखे दोस्तों हमें कॉल करने की कोशिश करें, ना कि उन्हें मारें। ये लगभग 1 से 1.5 साल का है दोस्तों, ज़्यादा उम्र नहीं इसकी। घरों के आसपास सफाई का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर साफ सफाई नहीं रहेगी दोस्तों तो उसमें चूहे आएंगे और चूहों को खाने के लिए इनका आना तो बनता है। सांप काफ़ी शांत स्वभाव के भी होते हैं दोस्तों। हमने डिब्बा मंगवाया है दोस्तों इसे पैक करने के लिए और इसे इसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज़ करेंगे हम, जहाँ पे ये बाकी की ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी सकेगा। काफ़ी सुंदर सांप दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन जितना सुंदर है, जितना मासूम दिख रहा है, उतना ही ख़तरनाक भी है दोस्तों। अगर इसके साथ हम छेड़छाड़ या ज़बरदस्ती कोई भी काम करेंगे दोस्तों तो ये बिल्कुल बाइट करेगा। और इस तरह के वीडियो देख के आप इस ऐसा करने की कोशिश ना करें दोस्तों। ये इन कामों का प्रशिक्षण लिया हुआ है दोस्तों हमने, इसी कारण कर पाते हैं। इसकी पूरी जानकारी है दोस्तों हमारे पास, तभी ये कामों को हम कर पा रहे हैं। और आप ऐसी गलती ना करें दोस्तों, वरना आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। दोस्तों एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि सांपों के कान नहीं होते
और ना ही दोस्तों ये दूध पीते हैं। ये दोस्तों मोमेंट पर चलते हैं, जिस तरीके का मूवमेंट करेंगे दोस्तों उनका ध्यान उधर ही होगा। दोस्तों इन्हें 3 फीट के बाद धुंधला दिखाई देना लगता है। दोस्तों ये रात में काफ़ी एक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इसे, जब भी ऐसा सांप आपको बाइट करता है दोस्तों तुरंत हॉस्पिटल का सहारा लें। झाड़ फूक पर विश्वास ना करें दोस्तों, क्योंकि भारत में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी हुई है दोस्तों जो स्नेक का वेनम उतार सके। इसका एकमात्र इलाज है दोस्तों पूरे भारत में, और वो है इसका एंटवेनम, जो इसी के द्वार जहर के द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों आप जब भी ऐसा सांप आपको बाइट करें आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों इसके काटने पर 1 से 1.5 घंटे का टाइम होता है इंसान के पास। जब तक अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो दोस्तों उसकी मौत भी हो सकती है। तो आपसे निवेदन है दोस्तों जब भी ऐसा सांप बाइट करें आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। और ना इसका कोई मंत्र होता है दोस्तों, ना कोई तंत्र होता है, ना जड़ी होती है, ना बूटी होती है दोस्तों। ये सब कहने की बातें हैं, ये काम हम कर पा रहे हैं दोस्तों, इसकी हमने ट्रेनिंग ली हुई है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों कि कौन सा सांप कब अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा। और दोस्तों ये तो ज़िंदगी है, हादसा तो हो भी सकता है और नहीं भी। चलिए दोस्तों इसे हम पैक करेंगे और ले चलते हैं दोस्तों किसी ऐसी जगह जहाँ पे इंसानों को आना जाना ना हो। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों को जागरूक करना, सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाना ही हमारा परम कर्तव्य है दोस्तों। सांप ऐसे किसी को बाइट नहीं करते तब तक कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। अगर आपके पैर से अगर दबता है तो ही आपको वो बाइट करेगा दोस्तों, अन्यथा वो बाइट नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों इसे हमने पैक कर लिया और ऑक्सीजन के लिए हॉल पहले से बना लिया हुआ है दोस्तों इसमें। ले चलते हैं दोस्तों इसे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे बाकी की ज़िंदगी अच्छे ढंग से जी सकेगा। यहाँ के दर्शक हैं लोग, देख सकते हैं दोस्तों आप, काफ़ी यहाँ के बढ़िया लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसे मारा नहीं। इसे हम ले आए दोस्तों प्रकृति में और इसे पर्यावरण में रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ये पर्यावरण का ही मित्र है दोस्तों, और चूहे भी खाते हैं दोस्तों ये, इसलिए ये किसान मित्र भी होते हैं। दोस्तों इसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये निकल नहीं रहा है ठंडी के कारण, लेकिन दोस्तों हम इसे ऐसा रख भी नहीं सकते हमारे पास, क्योंकि दोस्तों इसे 24 घंटे के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा आपको, वरना ये कानून जुर्म होता है दोस्तों। ये एक वन्य जीव है, वन्य इसका घर है दोस्तों, इसमें सेंस नहीं होता दोस्तों, इसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता है, ये किसी भी चीज़ को या किसी भी जगह को याद नहीं रख सकता है दोस्तों। तो इसे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
फिर किसी बेजुबान को बचाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।